ये अलवर की स्थिति आपको साक्षात रूप से दिख रही है, प्रमाणिक रूप से दिख रही है, और हम लगातार कह रहे हैं कि अलवर के अंदर जिस प्रकार से ये हत्याओं का सिलसिला, रेप के सिलसिले, लूटमार के सिलसिले, गोकसी के मामले, ऐसे मामले वहाँ पर निरंतर ये सरकार आने के बाद में बढ़े हैं। और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार और सरकार के नुमाइंदे, ये तभी मामले होते हैं जहाँ पर अपराधियों को संरक्षण मिलता है, और निश्चित रूप से वहाँ के जो लीडरशिप है, वहाँ के जो सरकार के नेतागण हैं वर्तमान सरकार के, उनको इन अपराधियों को संरक्षण है। इनको संरक्षण के कारण ये अपराधी खुलेआम ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, ऐसी हत्याएं कर रहे हैं, इन पर अंकुश लगना चाहिए। और वहाँ की जनता बहुत भयभीत है, जिस प्रकार की हत्याएं रोज़ अलवर में हो रही हैं, रात को सोते हुए आदमी को काट जाते हैं, उसके साथ साथ में लोगों का आज बाहर सोना या खुले में रहना बहुत दुश्वार हो चुका है, एक भय का माहौल राजस्थान में है। स्थिति को संभालना चाहिए सरकार को, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। हम लगातार वहाँ पर परूर में भी संघर्ष करते रहे हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे जनता को न्याय दिलाने का काम। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भाजपा की सरकार तो आएगी निश्चित है, और जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, आपको राजस्थान में विशेषकर अलवर में ऐसे प्रजाति के लोग आपको दिखेंगे नहीं, वो अपने आप से ही सरकार बनने से पूर्व से ही उस स्थान को छोड़कर भाग चुके होंगे। मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती आई है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को अपने उपयोग के लिए, अपनी सत्ता के भोग के लिए उनका उपयोग किया है, उनका शोषण किया है, और उसी प्रकार से अब OBC भी उस रास्ते पे हैं, क्योंकि मुसलमान वोट जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर रहा है, मुसलमान भाई बंधु आज भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चलकर अपने देश में और अपने खुद के विकास में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से आज मुसलमान वोट BJP की तरफ आ रहा है, तो उसको बीच रास्ते में कैप्चर करने का काम OBC कर रहे हैं। मैं तो OBC जी से यही पूछना चाहूँगा कि हैदराबाद में उन्होंने कौन सा विकास कर दिया मुसलमानों का, वहाँ के मुसलमानों की भी सुध ले लें, बाद में UP के मुसलमानों की बात करें, वहाँ के मुसलमानों की भी यही स्थिति है और पूरे देश के मुसलमानों की भी यही स्थिति है, क्योंकि ये लोग केवल और केवल मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के बात पे काम करती है, और उसी रूप में चलते हुए आज देश को इस स्तर पर आगे बढ़ाया है, और आगे भी आने वाले समय पर भारत की 135 करोड़ जनजाति माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएगी। उनको इसी बात का भय है कि मुस्लिम वोट कहीं BJP की तरफ ना चला जाए।